इधर मंच पे रहो, नीचे नहीं जाने का है। एसपी कहाँ है? बुलाओ एसपी को। मंच पे खड़े रहो तुम। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रविवार को गुना जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरे पर थे। इस दौरान सिंधिया एक कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी अचानक ज्योतिरादित्य सिंधिया गुस्से में लाल हो गए और मंच पर ही अधिकारियों को फटकार लगाने लगे। इधर मंच पे रहो, नीचे नहीं जाने का है। एसपी कहाँ है? बुलाओ एसपी को। मंच पे खड़े रहो तुम। आमतौर पर आपने देखा होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की छवि एक सौम्य नेता की है। सिंधिया हमेशा सटीक बयान देते हैं, लेकिन रविवार को जो हुआ उसे देखकर हैरान रह गए। लोग चर्चा करने लगे कि पहले कभी इस तरह से महाराज का अंदाज नहीं देखा। दरअसल सिंधिया ने जिले के कलेक्टर और एसपी को जनता के सामने फटकार लगा दी थी। सिंधिया को जैसे ही मंच पर एसपी और कलेक्टर दिखाई नहीं दिए तो वो नाराज हो गए। जिले के कलेक्टर और एसपी की सिंधिया को पहले भी कई शिकायतें मिल चुकी हैं। वहीं गुना जिले में उनकी विकसित भारत संकल्प यात्रा में कई प्रशासनिक अधिकारी दिलचस्पी लेते नहीं दिखाई दे रहे थे। इसी बात से केंद्रीय मंत्री सिंधिया नाराज हो गए थे। गौरतलब है कि गुना में आयोजित एक जनसभा को ज्योतिरादित्य सिंधिया जब संबोधित कर रहे थे तब उन्हें मंच से कलेक्टर और एसपी नहीं दिखे, दोनों मंच से नीचे जाकर खड़े हो गए थे। सिंधिया ने अपना भाषण रोका और कलेक्टर से कहा, इधर मंच पर रहो, नीचे नहीं जाने का है। एसपी कहाँ है? बुलाओ एसपी को। मंच पर खड़े रहो दो। इसके बाद कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस और एसपी संजीव कुमार सिन्हा मंच पर आकर खड़े हो गए। दोनों अधिकारियों को डांटते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने सख्त लहजे में हिदायत दी, विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रशासनिक अमला गाड़ी के साथ ही चलेगा। ये कोई प्रचार की गाड़ी नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है कि योजनाओं का लाभ आम लोगों को मिले। सिंधिया ने गुना शिवपुरी लोकसभा सीट के कई विधानसभा सीटों में विकसित भारत संकल्प यात्रा की पूरी जानकारी दी। इधर मंच पे रहो, नीचे नहीं जाने का है। एसपी कहाँ है? बुलाओ एसपी को। मंच पे खड़े रहो तुम। एक एक प्रशासन का आमला, एक एक योजना के लिए के साथ इस गाड़ी के साथ चलेगा। ये प्रचार की गाड़ी नहीं है, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 100% जितनी भी योजनाएं भारत सरकार की हैं, 100% उसका लाभ मेरे देश के एक एक गरीब को मिलना चाहिए मेरे भाई और बहन। वहीं सिंधिया ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो कहा वो करेंगे, यही है भाजपा की डबल इंजन सरकार की पहचान। घोषणा पत्र में किए हर वादे को हम निरंतर पूर्ण करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। भिंड से लेकर, मुरैना से लेकर, ग्वालियर से लेकर, दतिया से लेकर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, राजगढ़ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झंडा आप लोगों ने गाड़ के ग्वालियर चंबल संभाग में एक नया इतिहास रच दिया। और भारतीय जनता पार्टी की भी सोच और विचारधारा है कि जो जो बातें हमने चुनाव में कहा था गेहूं और धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाएगा, एक एक गरीब के घर में जो नौजवान है 12वीं कक्षा तक मुफ्त में शिक्षा प्रदान की जाएगी, हमारी क्षेत्र के किसानों का किसान सम्मान निधि इस पार्टी के इस 5 साल के कार्यकाल में डबल किया जाएगा 6,000 से 12,000 रुपये। और मेरी लाडली बहना जो यहां बैठी हैं, मेरी लाडली बहना के लिए जो 1,000 रुपया के साथ शुरुआत
भारतीय जनता पार्टी ने की थी, शिवराज सिंह जी ने की थी। 1250 तक भारतीय जनता पार्टी प्रति माह लाडली बहना के लिए राशि ले गए थे। हमने संकल्प लिया है कि आने वाले 5 साल के अंदर इसे हम 3000 तक पहुंचाएंगे, वो संकल्प भी हम पूरा करके रखेंगे। हमारी पार्टी विकास की पार्टी है, हमारी पार्टी प्रगति की पार्टी है। आमतौर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शांत और हंसते हुए रहते हैं, लेकिन सिंधिया को पहली बार मंच पर नाराज होते देख अधिकारियों के साथ साथ वहां मौजूद हर कोई अचंभित हो गया और हर कोई एक दूसरे से कहने लगा, महाराज को गुस्सा क्यों आया। कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने जा रही है, ऐसे में सरकार के विकास के कामों का लाभ को आचार संहिता लगने से पहले आम लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसी उद्देश्य को लेकर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार काम कर रही है। वहीं प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा रुचि न लेने के चलते केंद्रीय मंत्री को गुस्सा आया था।